हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर दशरा का रीडिंग। ओके, सो काली माँ आपके जीवन में क्या बदलाव ला रही हैं और दशरा आपके जीवन में क्या इस दशरे के पर्व में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर चार्म्स लिए हैं। ओके, सो मैं चार्म्स के साथ में एक नया रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ दशरे के दिन से। ओके, एक नई एनर्जी को मैंने रिसीव किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शाम के साथ में। सो यहाँ पर शाम के साथ में थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चार्जेस पता चल जाएंगे। आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस नंबर पर। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर साउंड को निकालती हूँ मैं। यहाँ पर इस डिवाइन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सो वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज आया है यहाँ पर। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर तो हार्ट चक्र हील हो रहा है। ओके, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यस, ये आपका यहाँ पर दोनों की एनर्जी इक्वल होते हुए नज़र आ रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आपको बटरफ्लाई बहुत सारे दिखेंगे। ओके, और जैसे कहते हैं ना, बटरफ्लाई ने एक जन्म ले लिया है, अब वो नए बर्थ के लिए वो यहाँ पर रेडी हैं। अब यहाँ पर आप एक न्यू जर्नी के लिए आपने यहाँ पर स्टार्ट किया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर है, देखा जाए यहाँ पर एक नया लाइफ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ओके, जो कि आपने अपने जीवन का एक एक पार्ट ख़त्म किया था, फिर दूसरा पार्ट किया, फिर तीसरा, अब आपकी तीसरा लाइफ का एक तीसरा चैप्टर ओपन हो रहा है। सो न्यू चैप्टर यहाँ पर ओपन हो गया है। सो दशहरे के दिन आपका एक नया चैप्टर यहाँ पर ओपन हो रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप जैसे बटरफ्लाई की एनर्जी, बटरफ्लाई जैसे एक न्यू जर्नी, और बहुत खुशी से अपने ही लिए जैसे जीना चाहते हो, अपने ही धुन में जीना चाहते हो, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बहुत खुश हो। ओके, बहुत खुश हो कि ये जन्म दिया है, इसलिए आप बहुत हैप्पी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पर है कि जो छोटी छोटी बातें से आपकी जो ब्लॉकेजेस थे, ओके, छोटी छोटी बातें थे ऐसी कि जहाँ पर आप अपने आप को ब्लॉक समझ रहे थे, अपने आप को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो वो बहुत ही इतने इजीली या इतने प्यार से वो ओपन अप हो रहे हैं या उसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए आपको दिख रहे हैं। तो आपको लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं पर ब्लॉक थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि या ये मैंने खुद में ही खुद को यहाँ पर जैसे कि रोक दिया था। ओके, सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है, किसी का नाम एस से है, किसी का ए से है, एन आर आई ओ, इस तरह का यहाँ पर नाम आया है। ओके, किसी को कैट बहुत पसंद है। ओके, कैट के साथ में किसी की बहुत अच्छी जमती है। ओके, बहुत अच्छा लगता है कैट को देखा तो, कुछ लकी डोर ओपन हुए हैं ऐसे जैसे लगता है। यहाँ पर नेचर में जाने के लिए आपको कह रहे हैं कि नेचर में जाइए, एक बड़े से पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाते हो तो यस, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। या नेचर से आपको जुड़ने की इच्छा हो रही है, कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही है, कुछ ट्रैवलिंग करने की इच्छा हो रही है। ओके, लोकेशन चेंज करने की इच्छा हो रही है, जो कि मैंने पहले बोला था जर्नी, बटरफ्लाई की जर्नी, तो आपकी यहाँ पर कुछ लोकेशन चेंज करने की इच्छा हो रही है। ओके, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, या जीवन में कोई ऐसा
डिसीजन लेने के लिए आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, जर्नी करना चाहते हो, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो आप बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एक जर्नी को कंप्लीट करोगे और आप बहुत मैच्योर्ड या बहुत आप स्ट्रांग बन चुके हो। आप रेडी हो दूसरों को, जैसे कहते हैं ना, पेड़ दूसरों को छाव देता है, तो आप उस तरह से रेडी हो चुके हो कि आप दूसरों को छाव देने के लिए रेडी हो चुके हो। इतना सुंदर है ये, देखिए। सो आप यहाँ पर रेडी हो चुके हो, इतना सुंदर आपने अपने आप को स्ट्रांग कर दिया है कि अब आपको कोई झुका नहीं सकता है। आप अभी रेडी हो चुके हो कि अपने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़े हो, और आप अब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और दूसरों को आप सिखाओगे, या आप दूसरों के लिए एक मेंटर हो सकते हो। इस तरह की भी एनर्जी है आपकी यहाँ पर, रूट से लेकर आपकी क्राउन चक्रा तक पूरी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, हील हो चुके हैं, इस तरह के भी मैसेजेस में आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसके साथ में यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर आया है कि आपका चक्र टाइम, आपका टाइम अब चेंज होने वाला है, टाइम चेंज आ गया है। ओके, सो अब आपका व्हील आपका चक्र, जीवन का पहिया चेंज हो रहा है। यहाँ से न्यू लाइफ, न्यू टर्न, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिए। ओके, सब छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आपके निकल रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो आपका जीवन का चक्र व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपने अपने जीवन की सभी साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं। ओके, अब आप रेडी हो उड़ने के लिए, आप अब रेडी हो हर डिसीजन लेने के लिए। ओके, सो ब्यूटीफुल। सो हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लेसिंग्स लेते हैं माँ काली की। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। यस, यहाँ पर ब्लेसिंग आई है भद्रकाली की, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको कहा जा रहा है कि अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को सतर्क कर लीजिए और अपने आप को उस वे से टर्न कीजिए। ओके, आपको स्पिरिचुअल बनना है तो आप स्पिरिचुअल बनिए। यहाँ पर भद्रकाली आपको ब्लेसिंग दी जा रही है आपके स्पिरिचुअल से। आप भद्रकाली माँ का कुछ कवच है तो पढ़ सकते हो। ओके, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाह, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। आपको गुड लक के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका गुड लक अब ओपन हो गया है, अभी स्टार्ट हो गया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, आपका गुड लक ओपन हो रहा है और हो चुका है ऐसे समझ लीजिए। ओके, शिव जी आपका, अगर आप शिव के भक्त हैं, ओके, तो यहाँ पर यस, शिव जी आपको वो लक देना चाह रहे हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पर है ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। सो आपने जो भी डिटर्मिनेशन आज तक किया, जो भी आपने आज तक पूजा पाठ अर्चना जो भी किया होगा, ओके, सो यहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है। वो बहुत आपका जो उसका रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपका ब्रह्मचारी व्रत यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, इस तरह से कि आपका एक ब्रह्मचारी जो आपने अपने जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन किया होगा वो कंप्लीट हो रहा है। कामंका काली, वाव, सो यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है आपके वेल्थ के लिए। ओके, और आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपको बाहर से और अंदर से, इनर जो आपके जो भी लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या टॉक्सिक एनर्जी है आपके अंदर की, वो सब रिमूव कर रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। रक्षा काली माँ भी है जो आपको प्रोटेक्शन नर्चर कर रही है। ओके, आपको बचा रही है हर वो डिसास्टर से और एक्सीडेंट से। और आपको यहाँ पर अर्धनारी नारेश्वर, वो आपको यहाँ पर शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमोनी,
मैंने जो सबसे पहले कहा था यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके, जो यहाँ पर आपका दिल हार्ट चक्र जो यहाँ पर हो रहा है और ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी यहाँ पर जो ये आया था यहाँ पर यही फील हुआ मुझे कि आपका यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। अर्ध नारी नारेश्वर की एनर्जी, शिव पार्वती की एनर्जी आपके यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, ओके। सो आप मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है और उसके वजह से आपके जीवन में यहाँ पर हारमोनी आ चुकी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, सो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है। हम यहाँ पर लेते हैं आगे आपको दशहरे के लिए और क्या ब्लेसिंग दी जा रही है। थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, आप दूसरों को फॉरगिव कर रहे हो और आपको भी लोग यहाँ पर फॉरगिव करते जा रहे हैं, यानी आप अब इतने कैपेबल हो चुके हो। जो मैंने कहा ना ट्री, आप ट्री बन चुके हो, आप एक बड़े से देखो यहाँ पर भी पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है। सो यानी आप दूसरे को आप माफ़ करने के लिए आपकी एक शक्ति या आप तैयार हो चुके हो कि हाँ मैं दूसरों को माफ़ कर सकता हूँ। सो ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए और माता रानी और डिवाइन ने आपको माफ़ कर दिया आपके हर मिस्टेक के लिए। यहाँ पर आपको आज तक लग रहा था कि आप विक्टिम हैं, आज तक लग रहा था कि आपको कुछ रास्ते नहीं मिल रहे हैं, बट आपको अभी रास्ते मिलते जाएंगे। आपका डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। कन्फ्यूजन से, कन्फ्यूजन के बादल आपके डिवाइन ने यहाँ पर निकाल दिए हैं, ओके। कन्फ्यूजन के बादल आपके डिवाइन ने कम्प्लीटली निकाल दिए हैं। अब आपको क्लियरिटी मिलते जाएगी धीरे धीरे, और क्लियरिटी मिलते जाएगी आपको कि आप एक नए मकाम के लिए तैयार हो, आप एक नए जीवन के लिए तैयार हो, और आपका एक नया काम है, एक नया वर्क है, उसके लिए आप तैयार हो, ओके। सो यहाँ पर कंपन्स से यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आप वो आप छोड़ दोगे जो आप बार बार जिसको एफर्ट्स डाल रहे थे ना, आप जिसके लिए वो बार बार एफर्ट्स डाल रहे थे और वो बन नहीं पा रहा था, तो अब आपको उसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए नया रास्ता, नया डोर ही ओपन करने वाले हैं। तो आप थक गए थे वहाँ पर एफर्ट्स डालते डालते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बहुत सारा एफर्ट्स डाल रहे थे, बट वो एफर्ट्स ही आपका अभी जो है उसका रिवॉर्ड्स, उसकी रिकवरी जो है ना, ये देखो यहाँ पर आया है कार्ड्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी या कुछ फील हो रहा था, सो अब यहाँ पर है ना आपको रास्ते ही रिकवरी, यानी आपको चाबी दी जा रही है, एक नई की नया डोर ओपन हो रहा है, आपको उसकी रिकवरी भी दी जा रही है और आपको डिस्कवरी, यानी आपको एक नया दिखाई देगा। अब आप उसको भूल जाओगे जो पास में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेनफुल एनर्जी मिली थी, उससे आपको डिवाइन कम्प्लीटली निकाल रहा है। अब आपको रोने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइन आपके आंसू पोछ ले रहा है, खुद ही वो आंसू आपके पोछ ले रहा है। आपको जो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, अब वो आपको कम्प्लीट सिक्योरिटी दे रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन, यानी ओवरऑल आपको हर जगह से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर जगह से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी डिवाइन, और गाइडलाइन क्या है प्लीज़ बताएं। या फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप हील हो रहे हो, कम्प्लीटली हील हो रहे हो, आप कम्प्लीटली हील हो रहे हो। यहाँ पर देख पाओगे कि यस, आपने आपके जो भी काम है, ओके, वो काम को आप यहाँ पर जो आधे अधूरे छूटे हुए हैं, ओके, आप थक चुके हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा थक चुके हो, करो क्या करें, आगे क्या करें, कैसे करें, तो आपको यहाँ पर एक ब्रेक दिया जा रहा है, एक रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं
कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, यानी आपको हीलिंग की एनर्जी दी जा रही है। आपको यहाँ पर रेस्ट लेकर आप फिर एक काम, जो आपको काम दिया जा रहा है उस काम को करना है, यानी आपकी तरफ एक वर्क आएगा या आपका सोल पर्पज़ आएगा, बाद में आपको एक्टिव किया जाएगा। तो आज के दिन या कहिए कि ये दसरे के दो चार दिन जो भी रहेंगे, आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी टावर मोमेंट आ कर गया है, जो भी एक पेनफुल एनर्जी से आप गए हो, वो एक बहुत सोल शॉक था आपके लिए, जिसके वजह से आप एकदम से टायर्ड फील कर रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत एकदम से डाउन हो गए हो कि क्या करें, और ओके और जो काम कर रहे थे उसको आपने स्टॉप कर दिया होगा, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हील किया जा रहा है, ओके आपको हील किया जा रहा है उस वे से। सी देखो, मैंने कहा ना फोर ऑफ वंड्स, आपकी अच्छाई के लिए यहाँ पर हील किया जा रहा है। आपको जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अपना घर सजाना है, किसी को मैरिज करनी है, किसी को एंगेजमेंट करनी है, किसी को बेबी चाहिए, ओके सो यहाँ पर आपको हील किया जा रहा है। इसके लिए हील किया जा रहा है कि आपके जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी, वो सुख, वो समाधान, ही सब कुछ आपके पास में आ जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा रोका गया है, बट आपके अच्छाई के लिए ही रोका है, ओके इसके लिए आप परेशान मत होना, ओके जिनसे भी रेजोनेट होता है रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब आज तक जो भी आप किसी बात की चिंता कर रहे थे, या आपको ऐसे लग रहा था कि आप बहुत इल्यूजन में हो, या बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर आया था ना कन्फ्यूजन, इल्यूजन, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर ये लास्ट टाइम है आपका, कि इसके बाद में आपका जीवन चेंज होगा। ये लास्ट टाइम आपके जीवन में ऐसा टावर मोमेंट आकर गया, आपके जीवन में ऐसी तकलीफ आकर गई, इसके बाद में नहीं, इसके बाद में आपका कंप्लीट लाइफ चेंज हो रहा है, ओके सो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। या आपको रेडी कर रहे हैं एक नए मकान के लिए, एक नए आपके जो डिज़ायर है या आपका सोल पर्पज़ है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपको कुछ ही दिन के बाद में यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहेंगे, या आप वर्क प्लेस पर अपने काम के ऊपर आप बहुत अच्छे से फ्रेश से जाओगे, और आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, कि अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर चार चार पाँच सात सेवन डेज, नेक्स्ट सेवन डेज में आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लोगे, ओके बहुत स्ट्रांग बना लोगे। यहाँ पर है कि आपके जीवन की सीक्रेट, ओके ऑफ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, यानी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है, और आप फाइनेंशियली भी, एट ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियल भी अपने करियर पर, यानी आज से अगर काम किया जाए तो आठवें दिन, एट डेज के बाद में आप कम्प्लीटली स्ट्रांग हो जाओगे अपने वर्क के प्रति। आपको फाइनेंस ग्रोथ होगा, आप अपना काम के ऊपर पूरा फोकस करोगे, आपको जो भी स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है, पूरी तरह आपकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, कम्प्लीटली एनर्जी आपकी शिफ्ट होने वाली है। सो इस तरफ ब्यूटीफुल एनर्जी आपके तरफ आ रही है, और आपको हील किया जा रहा है आपके तरफ, आपके हर मैसेज, हर आंसर आपको यहाँ पर मिला होगा, ओके डिवाइन आपको अपनी, आपको आखिर में आपको सोल पर्पज़, किसी के लिए यहाँ पर सोल पर्पज़ हो सकता है, कोई यहाँ पर हीलर बन सकता है, कि अपना यहाँ पर उनका विजडम, खुद का विजडम यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने जीवन को वो आगे लेकर जाएंगे नई स्टडी के साथ में। तो आपको यहाँ पर जो तीन चार दिन, आठ दिन जो भी है आपके, ये थोड़ा सा रेस्ट का है या हीलिंग का है, ओके सो उसके बाद में आपको यहाँ पर कम्प्लीटली आप एक्टिव रहने वाले हो और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। सो यहाँ पर फाइनल एक मैसेज ले लेते हैं।
तो यहाँ पर कम्प्लीटली एक नई नए जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, न्यू बिगनिंग। फ्रेंडशिप, यहाँ पर फ्रेंडशिप का मैसेज आया, आपके तरफ कोई फ्रेंडशिप आएगी, कुछ हेल्प आएगी तो वो ज़रूर लीजिएगा। ओके, आपका काउंसलिंग स्किल शायद एक्सेलेंट है, तो आपका काउंसलिंग, मैंने कहा ना हीलर, कोई ऐसे कोई आप पढ़ाई करके कोई यहाँ पर अपने नॉलेज को बढ़ाने वाला है, तो उसको ट्रैक पर लाइए। ओके, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, आपको फ्रेंड्स लोगों की हेल्प मिलेगी, वो ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर डिकल्टर कहा जा रहा है, जो लोग आपके लाइफ से, या लोग कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए या जो भी है ना, ऑब्जेक्ट कहे तो जैसे पुरानी व्हीकल हो सकती है, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने किताबें हो सकती हैं, जैसे कि उसका और आपका अभी कोई नीड नहीं है, यानी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो उनको आपको यहाँ पर डिकल्टर यानी उनको आपको लाइफ से निकाल देना है। Someone will hurt your feelings and कोई किसी ने आपको अगर हर्ट किया है बार बार और अवॉइड किया है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कम्प्लीटली उनको अपने जीवन से डिकल्टर यानी उनको निकाल देना है, उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। अपॉर्चुनिटी, वाह ग्रेट, सो आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर। अ स्ट्रेंजर्स अबाउट चेंज योर लाइफ, एक्साइटिंग टाइम। ओके, यानी आपके लिए यहाँ पर रियूनियन आ रहा है, फैमिली का रियूनियन आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग तरीके से आप अपनी सिचुएशन से ले सकते हो, कि जो आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड है, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, या कुछ क्रिएटिविटी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड है। ओके, यानी चेंज हो रही है आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है, एक नई जर्नी की तरफ जा रही है, उस तरह से यहाँ पर चेंज हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वाह, सो यहाँ पर कहा जा रहा है एसेट्स योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पर है गो फॉर व्हाट यू वांट, द टाइम ऑफ राइप राइप फॉर सोलमेट कनेक्शन, सॉरी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। सो मैंने क्या कहा था यहाँ पर, जो बटरफ्लाई या जो यहाँ पर जर्नी थी, मैंने क्या कहा था कि यस आपको यहाँ पर एक नया जर्नी या सोलमेट, ओके, इस तरह की जर्नी यहाँ पर आ रही है। ओके, आप अपने आप को, वाह ये देखो यहाँ पर है ट्रैवलिंग का, यहाँ पर है ट्रैवल का, यहाँ पर कहा जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल बी ओपन योर लाइफ। ओके, सो और करियर का जो भी है यहाँ पर, करियर के लिए भी आपको मिलता जाएगा एडवांसमेंट फॉर अदर्स। ओके, यहाँ पर अचीवमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर गाइस, एंजॉय द लाइमलाइट यू आर ऑन इट, ऑल द ऑफ द फैमिली फ्रंट समवन हेल्थ कुड कॉज सम सीक्रेट वरीज एंड स्लीपलेस नाइट। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी हेल्थ इशूज़ या किसी को कुछ था, ओके, आपके फैमिली का, वो सब रिकवर हो रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा चिंता थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, अब वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी उनकी भी हेल्थ रिकवर हो रही है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, यानी आपने आपका जो भी उनके लिए जो कर्मा था या उनके लिए जो भी काम था आपके लिए, आपने वो पूरा कर दिया है, अब आपकी एक नई ट्रैवलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, सो ब्यूटीफुल यहाँ पर गाइडलाइन आई है, सो मैसेजेस आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। ओके, आपको दशहरा आपको बहुत बहुत अच्छा जाए, और काली माता डिवाइन आपको ऐसी ब्लेसिंग दे, मैं यही चाहूँगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।